गुड मॉर्निंग एवरी वन कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिजोल्यूशन हम जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और किस ऑर्डर में प्रिपेयर करते हैं वो क्या है सबसे पहले आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट देन पार्टनर का लोन अकाउंट देन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब है जब हम फाइनेंशियल टर्म में रियलाइजेशन वर्ड बोल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि जो भी आपकी assets है, जब आप उन्हें बेच रहे हो तो उससे जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है और जो भी आपकी लाइबिलिटीज हैं, उसको जब आप पे ऑफ कर रहे हो उनसे तो उन सब का जो रिजल्ट आ रहा है कि कितना आपने बिजनेस से रियलाइज किया कितना बिजनेस से रिलाइज करने का मतलब अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करके आपने जब अपनी एसेट्स को बेचा और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया उसके बाद जो आपको मिला वो जो चीज है दैट इज प्रॉफिट या लॉस उसे हम कहते हैं कि आपका बिजनेस से कितना अमाउंट रियलाइज हुआ तो जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है नेचर में और जो पर्पस है इस अकाउंट का वो ये है कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है फॉर्म को ये जानना ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज तो जो ट्रांजैक्शंस हैं जो इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं वो क्या है सबसे पहले तो जो बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी आप उन्हें ट्रांसफर करते हैं उनकी बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में जब आप एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एंट्रीज क्या होंगी डेबिट साइट पे जब आप लिख रहे हो सारी एसेट्स को वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगी उसमें क्या क्या एसेट्स नहीं शो आपने करनी है कैश और बैंक बैलेंस को आप ट्रांसफर नहीं करते हो जो डेबिट बैलेंस है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का या करंट अकाउंट का वो भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा कोई फेक्टिशियस एसेट्स हैं जैसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसे भी आप यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करोगे उन्हें डायरेक्टली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो एसेट्स हैं उन्हें ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिए हुए हैं और उनका प्रोविजन फॉर बैड बा, डेप्स दिया हुआ है तो डेप्ट को आप अलग ट्रांसफर करते हो और प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट अलग से ट्रांसफर किया जाएगा देन सेल आप एसेट्स को करोगे उसकी एंट्री यहाँ पर होती है रियलाइजेशन अकाउंट में आपने अगर कैश में सेल किया है तो एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपकी जो एसेट है वो किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो उसके लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट देन लाइबिलिटीज को आप ट्रांसफर करते हो बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट में और उसके लिए एंट्री क्या होगी सनड्राइ लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड पे जो है आप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो तो जब आप लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व ये ट्रांसफर नहीं होंगे रिलाइजेशन अकाउंट में और जो भी लाइबिलिटीज और अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रोविजन है तो उन्हें सेपरेटली ट्रांसफर किया जाएगा देन अकाउंटिंग ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू कैश आ जाएगा और अगर किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी टेक ओवर कर ली है या पेमेंट पार्टनर ने की है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा उसके बाद रियलाइजेशन के एक्सपेंसिस आप पे कर रहे हो अगर पेमेंट कैश में हुई है एक्सपेंसिस की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट आ जाएगा अगर पेमेंट किसी पार्टनर ने की है तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा उसके बाद जब आप रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो अगर प्रॉफिट है तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये है फॉर्मेट आपका रिलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड पे सभी एसेट्स आप लिखते हैं बैलेंस शीट से देखकर बुक वैल्यू पर क्या क्या इसमें नहीं लिखा जाएगा कैश बैंक बैलेंस फिक्टिशियस एसेट डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एंड लोन टू पार्टनर देन क्रेडिट साइड पर सारी लाइबिलिटीज आप लिखते हैं एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ Account, reserve, partner capital और करंट अकाउंट एंड पार्टनर मतलब अगर दी हुई है, तो balance sheet की asset side से आप transfer करेंगे डेबिट साइड में और जो आपकी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है उसे ट्रांसफर करेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देन उसके बाद जब आप liabilities को डिस्चार्ज कर रहे हैं अगेन जैसे हमने बैलेंस शीट में से जब हम ट्रांसफर कर रहे तो एक क्रॉस क्रिएट हो जाता है बैलेंस शीट में एसेट साइड्स जो है राइट साइड right पे होती है और तो आप उसे ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड पे सेम तरीके से जो आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है वो आपके लेफ्ट साइड पर होती है तो लेफ्ट साइड की जो अमाउंट है लाइबिलिटीज की उसे हम ट्रांसफर कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट के राइट right साइड पर तो जब आप उसको रियलाइज करते हैं जो भी एसेट्स आपने लिखी है यहाँ पे उससे जो भी आपको पैसा मिला है उसे करके जो भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसे हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और जो लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं आप उसे हम लिखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे तो अगेन एक क्रॉस जो है वो क्रिएट हो जाता है तो डेबिट साइड में और क्या क्या चीजें आएंगी टू बैंक या कैश अकाउंट जो भी अमाउंट आपने पे की है फॉर डिस्चार्जिंग देन अगर कोई अनरिकॉर्डेड हैिटी थी उसके लिए आपने पे किया है तो वो भी यहाँ पे रिलाईजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा टू बैंक या कैश अकाउंट अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी देन जो एक्सपेंसिज आपके हुए हैं रिलाइजेशन में टू बैंक और कैश अकाउंट एक्सपेंसिज ऑन रिलाईन अगर पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर की है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी टेकन ओवर और एनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम और रेमरेशन कमीशन पेबल टू हिम देन क्रेडिट साइड पे कोई भी जो प्रोविजन आपने किसी एसेट के ऊपर बनाया हुआ था वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन एक्सेट्रा बैंक से या कैश से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे जितना भी अमाउंट आपको रिलाईज हुआ है एसेट को सेल कर कर तो बाय बैंक और कैश अकाउंट अमाउंट ऑन ऑफ एसेट एसेट देन जो भी आपकी अनरिकॉर्डेड थी अगर उसको सेल करके कुछ अमाउंट रिसीव हुआ तो वहां भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा बाय बैंक और कैश अकाउंट अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉर्डेड एसेट देन अगर पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर की है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर और उसके बाद दोनों साइड्स को आप बैलेंस करेंगे अगर लॉस होगा तो वो आपके क्रेडिट साइड पर शो हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसे आप ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में और ये डिवाइड होगा पार्टनर्स के बीच में सभी पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो शो होगा आपकी डेबिट साइड पर तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन उनके कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में

बनाने का इस अकाउंट को प्रिपेयर करने का पर्पस होता है कि फाइंड आउट किया जाए प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है ऑन ऑफ ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट जबकि रीवेलशन अकाउंट को बनाने का पर्पस होता है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवेलुएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कि जो एसेट्स की वैल्यूज में और लाइबलिटीज की वैल्यू में चेंज हुआ है उससे कितना प्रॉफिट और लॉस आपको हुआ है देन रियलाइजेशन अकाउंट जब आप बनाते हो जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज को रियलाइज करते हो तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट किए जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में जबकि जो रिवेल्युएशन अकाउंट है उसमें कोई भी एक्सपेंसेस आपके रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं देन नेक्स्ट बेसिस इज कॉन्टिन्यूशन ऑफ फॉर्म जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद फॉर्म जो है वो क्लोज हो जाती है जबकि रिवेल्युएशन अकाउंट में ऐसा नहीं होता है रिवेल्युएशन अकाउंट बनाने के बाद भी जो फॉर्म है वो कंटिन्यू रहती है देन अमाउंट की बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट के केस में इन एडिशन टू बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबलिटीज जो भी अमाउंट आपको रियलाइज हुई है एसेट से और जो भी अमाउंट आपने पे की है फॉर दी पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज उसे यहाँ पर शो किया जाता है जबकि रिवेल्यूशन अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में उसे शो करते हैं देन नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम नेक्स्ट जो अकाउंट बनाते हैं वो है पार्टनर का लोन अकाउंट क्योंकि सारी लाइबिलिटीज को पे करने के बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद जो पार्टनर का लोन है वो पे किया जाता है और उसके लिए एंट्री क्या होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट देन नेक्स्ट आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं पार्टनर के लोन अकाउंट बनाने के बाद और इस अकाउंट में क्या क्या क्रेडिट किया जाता है जो भी आपका बैलेंस है कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है प्रॉफिट ऑन रिलाईजेशन है लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर ने पे की है रियलाइजेशन अगर पार्टनर ने पे किए हैं और डेबिट इसे किया जाएगा विद द डेबिट डेबिट बैलेंस ऑफ ऑफ कैपिटल बैलेंसेस करंट अकाउंट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस ऑन रेशन या अगर कोई एसेट टेक ओवर की है पार्टनर ने उसके बाद दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पेमेंट जो पार्टनर को करनी है कितनी करनी है या जो पार्टनर ने पेमेंट लेके आनी है वो कितनी लेके आनी है तो अगर पेमेंट आपने करनी है पार्टनर को तो एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट अगर कैश लेके आना है पार्टनर ने तो उसके लिए एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में आप जो प्रिपेयर करते हो करते हो वो है आपका कैश और बैंक अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैश और बैंक अकाउंट है वो प्रिपेयर किया जाता है दोनों में से एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा अगर आप अगर आप कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो बैंक से रिलेटेड जो एंट्री है कैश विद्रॉ करने की वो वहां पर शो हो जाएगी और अगर आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो कैश को डिपॉजिट करने की एंट्री वहां पर शो हो जाएगी तो किस चीज को आप यहाँ डेबिट करते हैं और किस चीज को क्रेडिट करते हैं अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आप डेबिट करेंगे आपका डेबिट बैलेंस कैश और बैंक अकाउंट का अमाउंट जो रिलाईज हुई है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स और अमाउंट जो पार्टनर्स लेके आए हैं क्रेडिट करोगे आप जो भी अमाउंट आपने दी है फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज जो भी अमाउंट आपने दी है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और जो भी अमाउंट आपने पे किया है पार्टनर्स को सेम रूल फॉलो हो रहा है डेबिट में आप सारी रिसिप्ट लिखते हैं एंड क्रेडिट में आप सारी पेमेंट्स uh, जो है वो लिखते हैं द नेक्स्ट इज क्या पॉइंट्स आपने कंसीडर करने हैं जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कैश और बैंक अकाउंट अगर जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस दोनों क्वेश्चन में गिवन है तो सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा और जो बैलेंस है सेकंड अकाउंट का उसे आप ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट अकाउंट में ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं देन जो टोटल है दोनों साइड्स का वो हमेशा इक्वल आएगा और ये आपको हेल्प करेगा इन चेकिंग दी मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और प्रोविजन जब फॉर्म डिसॉल्व हो रही है तो जो भी रिजर्व और प्रोविजन है और जो भी आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उनकी ट्रीटमेंट सेम उसी तरीके से होगी जैसे कि रिटायरमेंट और एडमिशन के टाइम पे होती थी जो भी आपका रिजर्व्स हैं वो सभी पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड किए जाएंगे और उसके लिए एंट्री क्या होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और अगर लॉसेस हैं तो उनके लिए एंट्री क्या होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज एसेक्ट्रा और ये डायरेक्टली आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे देन नेक्स्ट स्पेशल रिजर्व या प्रोविजन अगर कोई है वो क्रिएट किया जाता है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जैसे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल प्रोविजन फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इनको हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो उसके लिए एंट्री क्या होगी रियलाइजेशन फॉर डाउटफुल डेप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्ट प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट और अगर डेबिट बैलेंस है तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स अकाउंट इसका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच